श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह में आता है, लेकिन माघ माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा ही सबसे ज्यादा है। इसे सकट चौथ, तिलकुटी चौथ, तिल चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ दुखों को हरने वाली चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश व चौथ माता को समर्पित होती है। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। सकट चौथ का व्रत के दिन माताएं बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए उपवास रखती है। वे दिन में भगवान गणेश जी की पूजा करती है। गणेश जी की पूजा के लिए एक पाटे पर गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो रख कर एक जल का लोटा तिल में गुड़ या शक्कर मिलाकर कूट कर बनाया हुआ तिलकुटा, रोली, चावल रखें। फिर लोटे पर साथियां करें और लोटे पर या पाटे पर 13 टिक्की रोली से करें। गणेश भगवान को तिलकुटा का प्रसाद भोग लगाकर हाथ में तिलकुटा लेकर माही चौथ और बिंदाई जी की कहानी सुनते हैं। फिर हाथ में रखा हुआ तिलकुटा एक कटोरी में रात को चांद को अर्घ देने के लिए रख ले। एक कटोरी में तिलकुटा और रुपये रख कर बायना निकाल कर सासू माँ को पैर पड़कर दे दे। फिर रात में चांद निकलने पर चंद्रमा को तिलकुटा का भोग लगाकर वही सुबह में हाथ का रखा हुआ तिलकुटा और जल के लोटे से चांद को अर्घ दे दे। फिर चंद्रदेव को रोली चावल से तिलक करें। फिर भोजन कर ले। भोजन में तिलकुटा का प्रसाद जरूर खाएं। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय।